हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड सेफ। सो आज सैटरडे है, और जैसे मैंने आपको पहले भी मेरे आधा वीडियोस में बताया कि मैं सैटरडेज को बाहर जाती हूँ। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मेरे स्कूल्स जो हैं वो खुल गए हैं, रीओपन हो गए हैं, तो भैया सिर्फ सैटरडेज ही बचे हैं। सो आज हम जा रहे हैं इंडी फेयर, मैं, जॉय, शमिष्ठा दी, संदीप दा और प्रियंका। अगर आपने मेरे न्यू ईयर का वीडियो देखा होगा तो उसमें प्रियंका उसकी बेटी भी थी, तो हम सारे मिलके जा रहे हैं। अभी मॉर्निंग के 10:30 हो रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग निकलना है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो खैर ये नहीं है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। सो देखते हैं क्या है, कैसा चलता है इंडी फेयर। में सुनने से तो वैसा लग रहा है, ट्रेड फेयर नहीं होता हमारे इंडिया में, सुनने में मुझे वैसा लग रहा है। जाकर और देखते हैं कैसा है। ये हम आ गए हैं इंडियाना स्टेट फेयर। इंडियाना स्टेट फेयर है ये, जैसे हमारे इंडिया में भी जैसे साल में एक बार ऐसा लगता है मेला टाइप्स, अगर हम बोले तो इसमें सारे राइड्स वगैरह होते हैं, हर तरह के राइड्स होते हैं, गेम्स वगैरह होते हैं, फिर फूड काउंटर्स लगते हैं, और अगर आप जैसे कुछ ख़रीदना वगैरह चाहो तो वो भी सब रहता है। तो ये काइंड ऑफ वैसा ही है, काइंड ऑफ नहीं वैसा ही है। और सबसे बेस्ट था ये शटल, क्योंकि इतना बड़ा था ना, इतना बड़ी जगह में इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये शटल एकदम फ्री है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे इन्होंने स्टेशन्स बना रखे थे, स्टेशन्स 1, स्टेशन 2 ऐसे करके, तो उस शटल में बैठ के आप इधर से उधर जा सकते हैं, क्योंकि इतनी धूप में चलना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जगह जगह पर इस तरह के काउंटर्स बने हुए थे, चाहे लेमिनेट कह लो, सोडा कह लो, वाटर कह लो, और फिर फूड काउंटर्स भी। तो हम ऐसी शटल में बैठ के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ऐसे ऐसे करके हम जा रहे थे, और मतलब उसमें ना हमें थोड़ा उसमें थकावट कम हो रही थी। प्रियंका हाय, से हाय, हेलो। सो दे हैव जॉइंड अस। अब हम जाएंगे राइड्स के लिए, राइड्स। अभी शायद हम स्काई वे जाएं, जॉय हो रहा बुला रहा है सबको, चलिए चलते हैं। अभी हम करेंगे स्काई राइड, ये ऊपर ये, तो उसके लिए यहाँ पे से टिकट वगैरह लेके फिर हम जाएंगे स्काई राइड। संदीप दा को बहुत डर लगता है ऊंचाई से, बट जॉय है तो वो तो लेके जाएगा ही। और एक क्यूट बंदा मैं भी आपको दिखा रही हूँ, ये नहीं वो तो है ही, ये खड़ी हैट पहन के, इजंट शी लुकिंग सुपर क्यूट, सुपर क्यूट। तो अभी हम जाएंगे ऊपर। मेरे को ना सबसे बेस्ट लगा था, दो राइड्स मुझे सबसे बेस्ट लगी थी, एक तो ये स्काई राइड और एक था हमारा गो कार्ट। नहीं तो अभी हम ये स्काई राइड के लिए जा रहे हैं। स्काई राइड का फन बहुत था, मतलब ऊपर से जॉय बहुत डरा हुआ था पर फिर भी हमने मस्ती करी। आराम से संदीदा ये ऊपर से पूरा व्यू है स्काई राइड करते हुए, कितना सुंदर ऐसा लग रहा है, सब कुछ दिख रहा है ऊपर से, सब लोग छोटे छोटे से भी लग रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। संदीप दा और जॉय बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, स्टिफ बैठे हुए थे, पर और सारे लोग जो थे हम सारे बहुत मज़े ले रहे थे इस व्यू का। धूप थी पर ऊपर इतना हमें लग नहीं रहा था कि धूप है। जॉय बार बार कह रहा था अपना फ़ोन संभालो, फ़ोन संभालो, फ़ोन संभालो। ये इसके बाद इस तरह का ना फार्म का भी लगा था, एक्चुअली ये फार्मर्स मार्केट का भी है, तो जितने भी एनिमल्स वगैरह लाइक पिग कह लो और हॉर्स वगैरह, इन सब के ना ऑक्शन हो रहा था यहाँ पे। फार्मर्स आके जो लोग इन सब को पालते हैं आके इनकी ऑक्शन कर रहे थे और इनकी बोली लगा रहे थे और ख़रीद के ले जा रहे थे अपने फार्म के लिए। ये छोटा सा देखो, इतना बड़ा पिग ने इतनी छोटी छोटी पिगलेट्स ये सब दिए थे, एकदम नई माँ है, तो उसका भी इतना कुछ था ना यहाँ पे देखने के लिए। ये सब शॉपिंग का था, अगर आपको ख़रीदना तो हमने कुछ ख़रीदा नहीं, हैट्स वगैरह कह लो, काओ हैट और बैग्स एंड ऑल सब कुछ था यहाँ पे। बीच बीच में ये भी हम देख रहे थे, स्टॉप कर रहे थे और देख रहे थे, दो हमने किसी ने भी कुछ लिया नहीं। पर यहाँ पे आने के बाद ना पता ही नहीं चला था कि हमारा पूरा दिन कैसे निकल गया, इतनी धूप में भी घूमते घूमते भी इतना अच्छा लग रहा था कि इस तरह की चीज़ें अगर देखने को मिले तो सच में ऐसा लगता है कि वीकेंड सफल हो गया हमारा। फिर इसके बाद हमने ये गेम खेला था जो है गोल्फ, हम सबको ही पता है, पर यहाँ पे इसे ना ये लोग कहते हैं पट पट गेम,
पट पट गेम, पहले ना जब बार बार संदीप दा बोले थे पट पट गेम तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है ये पट पट, तब जाके देखा ओ अच्छा गोल्फ है ये, पर ये भी फ्री था, सबने अपने अपने स्टिक्स ली थी, बॉल्स ली थी और खेला था। ये सबसे पहला टर्न था टिया का, फिर उसके बाद हम सब ने एक एक करके खेला था। इट वॉज डिफिकल्ट, गोल्फ इतना ईजी कोई स्पोर्ट नहीं है, गेम नहीं है, बट जो है बहुत मस्ती करी थी। इस तरह के इन लोगों ने बहुत सारे ट्रैक्स बना रखे थे, नंबर 1 2 3 करके, सो एक एक ट्रैक में जाके सब खेल रहे थे। सारे ऐसे आप पीछे भी देख रहे होंगे, सब अपन अपने ट्रैक में खेल रहे हैं, फिर जब उनका वो ट्रैक का हो जा रहा था फिर हम दूसरे ट्रैक में जा रहे थे और फिर खेल रहे थे। बाहर भी उन लोगों ने बना रखा था आउटसाइड में, वहाँ पर भी जाके हमने खेले थे। फिर मेरी भी टर्न आई थी, मैंने सिर्फ तीन बार, मेरा तीन से कम में हो ही नहीं रहा था, हर बार में तीन राउंड में जाके मेरी बॉल जो है अंदर होल में जा रही थी, बट इट वॉज़ रियली फन। जैसे जैसे थोड़ा इवनिंग का टाइम होता जा रहा था ना, तो इनके आउटसाइड गेम्स, आउटडोर गेम्स स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे कुछ बंजिंग और जंपिंग का चल रहा था, सो धीरे धीरे आप जो ग्राउंड देख रहे हैं यहाँ पे सारा इन्होंने गेम्स वगैरह का बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए इन लोगों ने लगा दिया था। तो इवनिंग होते होते चीज़ें और भी ज़्यादा इन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, पर इतनी देर तक रुकना भी हम लोगों के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं था, तो हम थोड़ा थोड़ा करके सब जगह देख रहे थे और फिर घूम रहे थे फिर रहे थे। अभी हमें लंच भी करना था क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा था, तो लंच भी हमने किया इस बीच में, लंच वंच किया था। लंच करने के बाद भी फिर हम लोग का घूमना तो खैर बंद ही नहीं हुआ था, स्पेशली राइड्स, और हमारा ये भी था कि राइड से पहले हम थोड़ा सा खाने के बाद एकदम से ना जाएं राइड्स से पहले। और ये बीच में अगर आप ये देखेंगे ना, ये लोग ना ये जो भूसा कहते हैं ना, जो हम फार्म में एनिमल्स को खिलाते हैं, वो लिटरली वो यहाँ पे ये लोग बना रहे थे इस मशीन से। तो मुझे देख के थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने कहा ये लोग बना रहे, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम ऐसे खिलाते हैं, ये लोग लिटरली ऐसे भूसा ये लोग इस मशीन से बना रहे थे, जो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे उनके लिए, और यही वाला वो लोग खाते हैं ऐसे एकदम से, जो निकलता है और देते हैं वो वाला नहीं खाते हैं, ये वाला ऐसे बना के ही उनको दिया जाता है। सो ये था। फिर हम फिर गो कार्टिंग, मैंने आपको बताया था ना गो कार्टिंग का, तो ये गो कार्टिंग का भी हमने फिर किया था, सबने के कार ली थी, गो कार्ट किया था। बहुत छोटा है ये, पर जो हमने जो बैंगलोर वाला जो किया था ना, जो फिल्म सिटी में था, तो वो बहुत बड़ा था, बट ये वाला छोटा था पर अच्छा था। फिर हम लोगों ने वही जो मैंने आपको बताया, लंच वंच किया, सैंडविच एंड ऑल यहीं का, वो सैंडविच वगैरह खा के थोड़ा सा इधर उधर घूमने के बाद ही हम राइड्स की तरफ जा रहे थे। यहाँ से ना सारी राइड्स वगैरह जो आप देखेंगे पीछे की तरफ, सारी राइड्स स्टार्ट होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइड्स, बहुत बड़े बड़े राइड्स थे, पर जिस राइड में हमारे साथ धोखा हो गया वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। ये सब हम अपने मेले में नहीं देखते, बताइए, ये सारे हम अपने मेले ग्राउंड में देखते हैं, ये सारे स्पोर्ट्स एंड ऑल जिसमें शूटिंग का होता है और टेडीज जीतते हैं, ये वो, ये सारे वही स्पोर्ट्स एंड ऑल हैं। तो ये सारा घूम घूम के हम ऐसे देख रहे थे क्या क्या राइड्स हैं और उनके क्या क्या हम कौन सी हमें राइड करनी है। तो आप ये जो देख रहे हैं ना पीछे जायंट व्हील, हमने ये वाला किया था। इस जायंट व्हील में हमारे साथ जो धोखा हुआ है ना, क्या ही बताएं। उससे पहले जॉय ने ये शूटिंग गेम किया था कि मैं चाह रही थी एक टेडी मिल जाए, इतना बड़ा टेडी था, पर ही ट्राइड हिज बेस्ट पर हो नहीं पाया। उसने दो राउंड लिया, दो राउंड में भी उसका हो नहीं पाया, बट ठीक है कोई नहीं, एटलीस्ट ही ट्राइड। उसके बाद फिर हम इधर उधर घूमते घामते फिर हम उसी जो राइड मैंने आपको बताया था ना जायंट व्हील, उस जायंट व्हील की तरफ ही हमें जाना था, तो वो सब देखते हुए हम जा रहे थे। पर जैसे ही हम जायंट व्हील तक पहुँचे ना, उस जायंट व्हील में पता है क्या हुआ था, मैं आपको बताऊँ। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि जैसे हम बैठ के सारे एक बार भी वो पूरा फिल कर देते हैं, फिर वो पूरा एक राउंड दो राउंड जितने भी उनके राउंड देने होते हैं वो चलता है, तो हमें फील आती है राइट कि हाँ हम जायंट व्हील में बैठे हैं वो चल रहा है। पर इन लोगों ने क्या किया था, जैसे कि पूरे व्हील्स एक साथ नहीं भर रहे थे वो लोग, जैसे हम बैठ गए, फिर हम थोड़ा ऊपर गए, फिर अगर कोई और आ रहा है तो वो बैठ गया, फिर वो थोड़ा ऊपर जा रहा है, जो पहले बैठ गया फिर उसको उतार रहे हैं। इस तरह से करते करते ना वो पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, वो तीन राउंड देते हैं। इवन उतरते टाइम जॉय ने ये बात बोली भी कि भैया आप लोगों ने जिस तरह से राइड दिए, राइड हमें समझ ही नहीं आया कि शुरू हुआ कब और अब तो आप लोग कह रहे ख़त्म हो गया। ये जायंट व्हील के ऊपर से का ऊपर का व्यू है, कितना कितना ज़्यादा स्केरी नहीं लग रहा, सब कुछ छोटा छोटा, बट वही है, मेरे को लगा था आप शुरू होगा, पर मुझे पता ही नहीं था इन लोगों का फंडा ऐसा है कि बैठो उतरो, तो वो जायंट व्हील की तरह घूम ही नहीं रहेगा। फिर बाद में हम बहुत टायर्ड हो गए थे, तो हमें एक ऐसे ही अंदर गए थे, ये भी ना लाइट हाउस जैसा इन्होंने बना रखा था, तो सब कुछ आप देखेंगे बड़े बड़े सारे जो हैं इन लोगों ने लाइट से डेकोरेट कर रखे थे, और ये रूम पूरा डार्क था सो दैट कि जो भी इन लोगों ने लगाए हैं लाइट से वो दिखें। सुंदर लग रहा था बट वही था कि इतना कुछ वो नहीं था, क्योंकि इन लोगों का ना क्रिसमस पर भी लोग लाइट वाइट का करते हैं, तो
तो उस टाइम पे मेरे को हमें यही लग रहा था शायद यही लोग हैं जो लाइट का सारा प्रोग्राम वगैरह करते हैं। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद हम बाहर निकले तो हमने देखा कि ये बाहर इन लोगों ने इस तरह का शो वगैरह सॉन्ग वगैरह गा रहे थे जो यहीं के सारे होते हैं, सॉन्ग वगैरह गा रहे थे, लोगों को बुला रहे थे, अपने साथ डांस करवा रहे थे, ये सब था, अच्छा लग रहा था ये सब देख के। बीच में चलते चलते हम यहाँ पे भी फिर रुक गए थे। सो ये था मेरा इंडी स्टेट फेयर का सफ़र। आई होप आपको अच्छा लगा होगा जितना भी मैं आप लोगों को दिखा पाई, आप लोगों को अपने साथ रख पाई। तो पीछे आप लोगों को बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनाई पड़ रहा हो कि अभी यहाँ पर नाइट टाइम हो गया तो यहाँ पर सारा म्यूज़िक शुरू हो गया है, 10 बजे बंद हो जाएगा, अभी 8:45 हुए हैं। तो अभी हम डिनर के लिए जाएंगे अपना पेट बावर्ची, फिर वहाँ से घर चले जाएंगे। बहुत थक चुकी हूँ और हिम्मत नहीं है शूट करने का, तो मैंने सोचा मैं यहीं पे एंड कर दूँ। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ आप लोग से मिलूँगी। अनटिल देन बाय बाय।